Daniel Otero and Gideon. केवल दो कंटेस्टेंट ने सही उत्तर दिया, पिंकी जी आप उनमें एक और प्रथम 8.16 सेकेंड्स में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हमको ऐसा लग रहा है कि आज हम चश्मा बदले हैं ना, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा। तो हम जो ओरिजिनल चश्मा है अपना वो अब पहन लेंगे, इसको उतार देंगे। कृपा हाय हाय, अब ठीक हो गया। हाँ बढ़िया है। तो देवी संगम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पिंकी जी, ये हिसार हरियाणा से हैं। आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं ये कहूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ तो ये बहुत छोटा शब्द हो जाएगा सर। किसने कहा आपसे ये? इसलिए मैं फुल टाइम वर्किंग वूमन हूँ सर। इसमें दबने की क्या बात है? मैं आपको बताऊं देवी जी, होम मेकर जो है ना सबसे कठिन काम होता है। और जितने भी पुरुष यहां बैठे हैं समय प्रार्थी हूं मैं, आप लोग देख लें कि एक होम मेकर घर गृहस्थी जो चलाती है उनका कमाल का मैनेजमेंट होता है। कितना कुछ काम संभालती हैं, घर संभालो, पति को संभालो, बच्चों को संभालो, खाना पीना, ये सब, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जी सर, हम आपको बहुत गर्व से देखते हैं कि आप एक होम मेकर हैं। थैंक यू सर। ताली बजाते हैं आपके लिए। थैंक यू सर। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ? मेरे हस्बैंड हैं सर। आपके पतिदेव आए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब। प्रणाम सर। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? किरोड़ीमल। अरे वाह, करोड़पति जी सर। किरोड़ीमल, हम जब यूनिवर्सिटी में थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हमारे कॉलेज का नाम था किरोड़ीमल। किरोड़ीमल कॉलेज। तो हमारा आपका बहुत पुराना रिश्ता है भाई साहब। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ऑलराइट, ऑलराइट पिंकी जी, ये जो नियम है खेल के इतनी बार आपने सुन लिया होगा, देख लिया, उसे हम दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये पिंकी जी एक चित्र आपको दिखाएंगे, इनमें से कौन सी छवि रक्षाबंधन के दौरान पारंपरिक रूप से की जाने वाली गतिविधि को दर्शाती है? Which of these images depicts a ritual traditionally undertaken during रक्षाबंधन? और ये तस्वीर है, देख लीजिए, इमेज ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको जो पसंद हो बोलिए। इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए ए को। सही जवाब दिया है आपने। तो रक्षाबंधन के दौरान एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जो इस रिश्ते का प्रतीक होता है, बंधन होता है। जी सर। कि वो जो भाई जो है वो अपनी बहन की रक्षा करेगा। ओके, आगे चलते हैं पिंकी जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए, और वो आपके सामने, ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर 3-पिन और 2-पिन के किस्मों में आता है? Which of these usually come in the 3-pin and 2-pin varieties? A. Tables, B. Curtains, C. Plug points, या D. Mirrors? मेज है, पर्दे है, प्लग पॉइंट है, दर्पण है? सर प्लीज लॉक, ऑप्शन सी प्लग पॉइंट। ऑप्शन सी प्लग पॉइंट, जो ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3-point प्लग जो होता है वो ज्यादा सुरक्षित होता है। जी सर। क्योंकि इसमें एक अर्थिंग पिन होता है, अर्थ, ताकि आपको करंट वरंट ना लगे। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर पिंकी जी, ये रहा। इनमें से किसके फॉर्मिक और एसेटिक जैसे नाम होते हैं? Which of these has names like formic and acetic? ऑप्शन सुनिए, ए एलिमेंट्स, बी बेसिस, सी हैलोजन्स, या डी एसिड्स। तत्व, क्षार, हैलोजन या अम्ल? सर ऑप्शन डी अम्ल। अम्ल, डी पे क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए डी को। बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या सोच रहे हैं? और
आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ रहा है पिंकी जी, 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं जी सर। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस खेल को खेलने के लिए आपको रेत से भरे एक गड्ढे की आवश्यकता होगी? टू प्ले विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वुड यू रिक्वायर अ पिट फिल्ड विद सैंड? और ऑप्शन है आपके सामने ये, ए लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, बी मैराथन, सी जैवलिन थ्रो भाला फेंक, या डी 100 मीटर रेस 100 मीटर की दौड़। लंबी कूद, मैराथन, भाला फेंक या 100 मीटर की दौड़? सर ऑप्शन ए लंबी कूद को लॉक कर दीजिए। जी जी, लंबी कूद ए पे कह रहे हैं, ताला लगाओ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लंबी कूद में एक खिलाड़ी है, वो दौड़ते हुए आता है और उस गड्ढे में कूदता है जिसमें दूरियों का निशान बनाए गए होते हैं। सबसे लंबी कूद का विश्व रिकॉर्ड है 8.95 मीटर। ऑलराइट, पांचवा प्रश्न आ गया, 10,000 रुपए ये खेल का है पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रहा, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, आपको बताना है कि चित्र में दिखाए गए अभिनेता सोनम कपूर से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज द एक्टर शोन इन द इमेज रिलेटेड टू सोनम कपूर? तस्वीर दिखाई जाए, ये देखिए, विकल्प सुनिए, ए अंकल यानी चाचा, बी अंकल सन यानी चाचा का बेटा, सी सिबलिंग यानी सगा भाई, या डी नेव्यू यानी भतीजा। सर ये अर्जुन कपूर है, ये ऑप्शन बी चाचा का बेटा। चाचा का बेटा कह रहे हैं बी, इस पे क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए, तल लगा जाए बी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अर्जुन कपूर है ये। ग्यारहवा प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस क्षेत्र में दो कुबड़ वाले ऊंट अपने प्राकृतिक आवास में देखे जा सकते हैं? इन विच ऑफ दीज रीजन्स इन इंडिया कैन यू फाइंड कैमल्स विद टू हम्प्स इन द वाइल्ड? ऑप्शन सुनिए, ए रण ऑफ कच्छ, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लक्षद्वीप, या डी लद्दाख। कच्छ का रण, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या लद्दाख? अब तो समझ गई ना, कुबड़ समझ गई जी। जी सर, ऊंट अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में तो होते ही नहीं है, लद्दाख। सर लाइफलाइन यूज करो। ओके सर, इसको लाइफलाइन लेना चाहेंगी? जी सर। कमिटी महाशय, ऑडियंस वोल की लाइफलाइन लेना चाह रही है पिंकी जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस दोबारा बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए पिंकी जी की। भारत में किस क्षेत्र में दो कुबड़ वाले ऊंट अपने प्राकृतिक आवास में देखे जा सकते हैं? ए रण ऑफ कच्छ, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लक्षद्वीप, या डी लद्दाख। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 32, बी को 4, सी को 9 और 55% दिया है लद्दाख को। सर ऑडियंस के साथ जाना, ऑडियंस के साथ जाएंगे। जी सर। बी लद्दाख पे ताला लगा जाए, अभी ताली बजाने का समय नहीं है, अब बजाइए ताली। बिल्कुल सही जवाब। सर बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने, क्या बताएं आपको, वेल डन। डबल हम्प बैक्ट्रियन कैमल उसका नाम, नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं, उन्हें सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार के सिलसिले में यहां लाया गया था। और दो तरह के ऊंट होते हैं, एक तो है बैक्ट्रियन और दूसरा है ड्रोमेडरी।
भूमि दिन। इनको याद रखने का आसान तरीका है कि इनके नाम के पहले अक्षर रखें, डी लिखने में दो हम बनते हैं और डी लिखने में एक हम। 6,40,000 रुपए जीत लिया और जनता ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, एक बार फिर ताली बजाएंगे। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। अब पिंकी जी आ गया है 12वां प्रश्न, कोई लाइफलाइन नहीं है, 12,50,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। बहुत सोच समझ कर आप खेलिए, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। जी सर, तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अपना नाम दिलीप कुमार रखने से पहले इनमें से कौन सा नाम यूसुफ खान को उनके स्क्रीन नाम के रूप में सुझाए गए विकल्पों में से एक था? Which of these names was one of the options suggested to Yusuf Khan as his screen name before he took up the name Dilip Kumar? A. Akbar, B. Babar, C. Shah Jahan, D. Jahangir. जा लग रहा है सर, श्योर नहीं। हमको भी बिल्कुल नहीं मालूम है, हमसे बड़ा कोई दिलीप कुमार का फैन नहीं होगा दुनिया में, लेकिन ये हमको भी नहीं मालूम। गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 में, यानी 3,20,000 रुपए आप हार जाइए। वो जो चेक दिखाया था वो सही हो जाएगा। अपना नाम दिलीप कुमार रखने से पहले इनमें से कौन सा नाम यूसुफ खान को उनके स्क्रीन नाम के रूप में सुझाए गए विकल्पों में से एक था? यूसुफ खान ए और सी में कंफ्यूजन लग रहा है सर, दो तो नहीं लग रहे, बी और डी तो। ए और सी, सर क्विट करूंगे। उत्तर नहीं मालूम आपको? नहीं सर। ठीक है, ये आपका अंतिम निर्णय? जी सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट करें। 6:40 आप जीत रहे हैं, बहुत बहुत बधाई पिंकी जी को। और ये जो आपने 6:40 जीते हैं, डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर ना दबा देंगे। 6:40, 1, 2, 3, 4 दाब दिया, ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया, पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।